दोस्तों वीडियो में डिस्कस करेंगे तंजानिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच जो होगा मेंस अफ्रीका T20 का आज का दिन का पहला मैच। ठीक है, इससे पहले चार मैचेस हो चुके हैं, इन डेप्थ कवर करेंगे दोनों ही टीम के बारे में। दोस्तों एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात रहेगा इस वीडियो में वो है दोस्तों आफ्टर टॉस आप कौन से प्लेयर्स को कैप्टनसी बनाओगे, क्योंकि देखो जिम्बाब्वे अगर बॉलिंग फर्स्ट किया ये एक बेटर टीम है, बट क्या ये वन साइडेड मैच है? देखो जिम्बाब्वे अगर बॉलिंग फर्स्ट करता है बात अलग, बट जिम्बाब्वे अगर बैट फर्स्ट करेगा ना तो आपको ये मैच 70-30 इक्वेशन में जाना है। मतलब तंजानिया के कुछ बॉलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन से प्लेयर रहेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से दोस्तों वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक करना। अगर गाइस आप चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि WPL हमारे लिए बहुत अच्छा गया, आई होप IPL भी बहुत अच्छा जाएगा। और IPL के एक्सक्लूसिव कवरेज अपडेट्स एंड डेमो टीम के लिए दोस्तों अब जुड़ जाना टेलीग्राम। ऑलरेडी मैंने IPL रिलेटेड स्क्वाड एनालिसिस भी बना दिया, वीडियो जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मैच का एनालिसिस। 2:30 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। 150 अगर जिम्बाब्वे बैट फर्स्ट करेगा तो ये 170 से 180 बनेगा, तंजानिया बैट फर्स्ट करेगा तो ये 120 के करीब, तो एवरेज करोगे तो 150 आता है, बट जिम्बाब्वे बेटर टीम है, बैट फर्स्ट ज़्यादा रन बनेंगे। दो मैच जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था डन था, दोनों बार बैट फर्स्ट टीम ने विन किया। तंजानिया से अगर देखोगे तो दोस्तों इनसे इवन सलेमानी ओपन करेंगे जेम एस्क्वेटर के साथ, बॉलिंग से ना संजय कुमार ठाकुर इंपॉर्टेंट रहेंगे, सलीम जुम्बे अली आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, और यहाँ से अली की मोट स्पेशली बॉल फर्स्ट। मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक करके पॉइंट्स संपूर्ण समझाऊंगा। इवन सलेमानी जो इनका ओपनर है, देखो जिम्बाब्वे एक बेटर टीम है और जिम्बाब्वे के पास बेटर बॉलिंग यूनिट भी होगा, तो इवन सलेमानी को मैं इस मैच में मस्ट पिक नहीं मानता हूँ। 25 का एवरेज है, रिसेंटली लास्ट मैच में 33 भी बनाया था, बट यहाँ पे दोस्तों टफ कंपटीशन, टफ बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा। लास्ट मैच इन्होंने नाइजीरिया के अगेंस्ट खेल के आया सलेमानी, ठीक है, तो फिलहाल नहीं लूँगा। मस्क्वेटर भी सेम बात है, बट उसके बाद ना ये टीम का बॉलिंग यूनिट कोलैप्स हो, बैटिंग यूनिट कोलैप्स हो गया था लास्ट मैच में, तो यहाँ पे भी हाई चांस है कोलैप्स हो जाएंगे। ठाकुर को हम लोग क्यों ले सकते हैं ना, लेग ब्रेक बॉलर है और इस पिच में स्पिन रहेगा, तो दोस्तों ये बॉल फर्स्ट आपके लिए एक अच्छा डिफरेंशियल प्लेयर बन सकता है, ठीक है। थोड़ा बैटिंग से कुछ पॉइंट दे सकते हैं, बट प्लस पॉइंट है, 4 ओवर डालेगा, स्पिनर है, रिसेंट फॉर्म मेंशन है, 51 T20 में 53 विकेट, 154 ओवर। सलीम जुम्बे अली जिन्होंने लास्ट मैच में 4-5 विकेट निकाला, मस्ट बी प्लेयर है, बट इस मैच में कैप्टन में नहीं बनाऊंगा क्योंकि जिम्बाब्वे मुझे बेटर टीम लग रहा है, बट एज अ प्लेयर मैं रखूंगा, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट बहुत तगड़ा ऑप्शन है क्योंकि आपको बॉलिंग से पॉइंट्स प्रोवाइड कर देगा और डेथ में भी आएगा, पावर प्ले में भी करेगा। ओमारी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग दोस्तों विकी से क्लाइव मदांदे या फिर टीम अरुमानी को इस मैच में लेने वाले हैं। यूनुसी ईसा फिलहाल इग्नोर करेंगे दोस्तों। कसिम नसर और मूसा इसको ट्राई कर सकते हो, ये बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों कर लेता है दोस्तों, अच्छा ऑलराउंडर है, ऑफ ब्रेक बॉलर है, एक्सपीरियंस है, 58 मैच में 40 विकेट, 130 ओवर। अली किमोटे, किमोटे को दोस्तों बॉल फर्स्ट जरूर ले सकते हो, बट ये ना ओवर कंप्लीट कई बार नहीं कराते हैं, बट हाई चांस है इस मैच में बड़ी टीम के अगेंस्ट सीनियर बॉलर है, ओवर कंप्लीट कराया और डेथ में भी आएगा बॉलिंग के लिए। जबीरी इग्नोर करना, जबोन के इग्नोर करना, नकानैन ने 4 ओवर डाला, 1 विकेट निकाला, डिफेंशियल ले सकते हो बिकॉज ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, बट फिलहाल के लिए दोस्तों मैं शायद पहले तो मैं जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को कवर करूंगा, उनके टॉप 3 में कवर करूंगा और उनके 5 बॉलर जरूर कवर करने वाला हूँ। ओपनिंग बॉलिंग सलीम अली, जुम्बे, ईसा की बोटे, डेथ में जुम्बे, नसोरो, संजय, ये ओवर डिस्ट्रीब्यूशन देखो, पावर प्ले प्लस डेथ सलीम अली जुम्बे, और इसके साथ संजय ने पीछे के ओवर्स न करना है, ये कसिम नसोरो ने लास्ट मैच में डेथ डाला था, बट ये ऑफ ब्रेक बॉलर है तो हाई चांसेस है इस मैच में डेथ ना करे, ठीक है। तो ये जो बंदा है ना किमोटे जो पावर प्ले में डाला था, ये बंदा डेथ में आ सकता है। हाँ, यहाँ से आते हैं हम लोग दोस्तों, ये कुछ प्लेयर बेंच पे बैठे हुए, ज़रूरत नहीं है इनका रिस्क लेना। जिम्बाब्वे पहला विन किया, इनसे मफुजा ओपन करेगा मरुमानी के साथ, कैम्बल आएगा, बेनेट है, मुन होगा, ऐसा कुछ होगा बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग फर्स्ट, मदांदे का इस मैच में प्रोमोशन हो जाएगा ऊपर, ठीक है, कीप इट इन माइंड, प्रोमोशन हो जाएगा हिटिंग के लिए, अगर 12-13 ओवर के बाद विकेट गिरा तो मदांदे का प्रोमोशन हो सकता है। बैटिंग फर्स्ट मदांदे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर चेजिंग करता है तो मदांदे का बैटिंग नहीं भी आ सकता है, और ऐसे में मैं मरुमानी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करने वाला हूँ, कीप इट इन माइंड, क्योंकि ऑल राहू विकी सेक्शन में मिल सकते हैं बंदा। यहाँ पे इनके विकी रोडनी मफूज, इनके दोस्तों ओपनर है रोडनी मफूजा, तो लिस्ट में 30 का एवरेज है, बैक कर सकते हो, रिसेंट फॉर्म भी बहुत तगड़ा है, 50, 31, 54, 24, 1 विकेट, 7 रन, इस मैच में ले लेना क्योंकि ओपनर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैच फिनिश करके आ सकते हैं, स्पेशली वेल चेजिंग।
मरुभरी ऐसा प्लेयर ले सकते हैं दोस्तों, और इस मैच के लिए अच्छा है क्योंकि देखो इस मैच में ओपनर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये ना बहुत ज़्यादा रैश शॉट खेलता है। लास्ट मैच में जरूरी है रन आउट हुआ था, इसका गलती नहीं था। जोनाथन कैम्बल 39 स्पेशली दोस्तों, ये बैट फर्स्ट जरूर ले लेना क्योंकि 39 अच्छा खेला और लिफ्टी बैटर है, अच्छा डिफेंशियल बनेंगे। ब्रायन बेनेट मस्ट बी प्लेयर है, बट क्या कैबीसी बनाऊंगा? देखो बैटिंग से इसने पॉइंट दिया था, 65 रन बनाया था। मैं इस मैच इनका जो मैच था लास्ट वो अल्ट्रा स्वीप हुआ था, बट इस मैच में अगर बैटिंग से ये इतना पॉइंट देंगे तो दोस्तों बैट फर्स्ट सही है, बट चेजिंग में इसका रोल रिड्यूस होगा, तो एज अ प्लेयर ले लूँगा क्योंकि ये पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेता है। 6 T20 है, एक ओवर एक विकेट, 92 रन। पुनोंगा मस्ट बी प्लेयर है, 3 ओवर डाला, बॉल फर्स्ट तो और भी ज़्यादा। मुसिकेयू कैप्टन बना लेना, बॉल फर्स्ट। लास्ट मैच में ओवरऑल करियर में 21 मैच में 10 विकेट 34 ओवर। रिसेंटली बॉलिंग कराया इन्होंने कई मैच में, बट एक चीज़ क्या है पता है, ये प्रॉब्लम क्या है कि ओवर कंप्लीट करने का कोई गारंटी नहीं है मुसिकेयू का। क्लेम मदाद देखो बैटिंग फर्स्ट ट्राई करना है, सेकंड इनिंग्स में ड्रॉप। ओएन मुजोंडा ये मेरा शायद इस मैच में कैप्टन बनेगा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और इस पिच में सपोर्ट होगा। लास्ट मैच में किसी ने इसको नहीं लिया था, मैंने इसको रखा था और ये मेरा डिफरेंशियल बने थे दोस्तों। मैं 150-200 पॉइंट के मार्जिन से स्मॉल लीग विन किया था, जाके टेलीग्राम में चेक कर सकते हो दोस्तों। चताइरा 3 ओवर में 1 विकेट निकाला था, इस मैच में मस्ट बी प्लेयर है। और इस मैच में ना देखो कोई लेना ले, आप डिफरेंशियल ग्वांदू को ले सकते हो। 17 T20 में 7 विकेट 47 ओवर, हाई चांस है अगर 4 ओवर डाले। चांसेस कब है कि 4 ओवर डालेगा, बट अगर 4 ओवर डाल गया तो दोस्तों इसको विकेट मिल जाएगा, तो ठीक ठाक चॉइस रहेगा स्पेशली बॉल फर्स्ट। ये तो मस्ट बी प्लेयर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 4 ओवर में विकेट लेते हैं वालेस, बट अभी के लिए इस मैच में मस्ट बी प्लेयर है। 8 T20 मैच में 9 विकेट है। ओपनिंग बॉलिंग वालेस, चताइरा और ओएन। डेथ में कौन? चताइरा, मुसिकेयू और मुंबैया करते हुए दिखेंगे। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, पावर प्ले डेथ में आया था मुंबैया, चताइरा दोस्तों पावर प्ले और डेथ करेगा। ओएन भी दोस्तों मिडल ओवर डाले। ग्वांडू 4 और 17, मुसिकेयू ने डेथ किया था और मुनोगा ने 9, 11, 14। कुछ बेंच में प्लेयर बैठे हुए दोस्तों, एक्चुअली में इनके ना टीम पूरा चेंज हो गया। हेड टू हेड स्टार्ट मैटर नहीं करेगा बहुत ज़्यादा, बट स्टिल अगर देखते हो तंजानिया लास्ट टाइम 96 बनाया था, सलीम अली जुम्मे 24, अभी पटवा 18, 16 की मोटे। डिफेंड करते हुए संजय कुमार का 1 विकेट था। जिम्बाब्वे ने चेस कर लिया था, मरुमनी देखो 39 रन बनाया, मैं इसलिए बोला हूँ मरुमनी इंपॉर्टेंट होगा। एंगड़ावा सिकंदर अजा 3 विकेट, कोई है नहीं तो मतलब नहीं बनता। चलते हैं ड्रीमलेवन टीम में, लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और जुड़ना है टेलीग्राम, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। दोस्तों फिलहाल जो ड्रीमलेवन का टीम रहेगा उसमें विकी में मैं पहले तो मरुमनी को ले रहा हूँ, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट होगा तो मैं दे ऐड करने वाला हूँ, पहले जिम्बाब्वे से मैं उठा लेता हूँ अपने जरूरी प्लेयर। कैम्बल वांडर, मफुजा उपेन ले लिया मैंने, मुनोंगा ने बॉलिंग किया था, मुसिकेयू हमारे पास, ब्रायन बेनेट एज अ प्लेयर, ओएन मुजोंडा मस्ट बी प्लेयर है। यहाँ से दोस्तों बुबाया मस्ट बी प्लेयर है, चताइरा मस्ट बी प्लेयर है। बॉल फर्स्ट हुआ तो ग्वांडू को भी ऐड कर सकते हो, किसी बैटर को ड्रॉप रोटेट कर गए, ठीक है। और तंजानिया से देखो दोस्तों फिलहाल मैं लूंगा सलीम अली जुम्मे और संजय बोम, क्योंकि संजय बोम सलीम अली जुम्मे बैट एंड बॉल दोनों से पॉइंट देने में कैपेबल है, ठीक है। फिलहाल ये रहेगा मेरा टीम, मैं थोड़ा सा रिस्की टीम बनाया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, बट अगर आप ओल्ड फॉर्मेट खेल रहे हो तो उधर दोस्तों आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ऑलराउंडर में, तब बैटिंग फर्स्ट या फिर बैटिंग सेकंड। अगर बैटिंग सेकंड इनिंग्स में होता है तो बेनेट या फिर मुसिकेयू नहीं, ब्रैंडेट के साथ रोटेशन कर सकते हो, या फिर इवन टॉनी मुनोंगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। बट मैं तो प्रेफर करूँगा आपको जिम्बाब्वे के फेवर में टीम बनाऊँ। सलीम अली जुम्मे को कैप्टन बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है इस मैच में, इस मैच में मैं दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को कैप्टन बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इस पिच में रोल में रहेगा। पिच बहुत ज़्यादा ड्राई है, रिसेंटली ओमिस के मैचेस भी हुआ था इसी ग्राउंड पे। फिलहाल ये रहेगा कवरेज इस मैच के साथ, अगले मैच के कवरेज अपनी डेमो टीम शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, जुड़ने आपको टेलीग्राम, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक यू, एस मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे। थैंक यू।